इस एग्जाम्पल को देखो, टॉपिक नंबर वन का लास्ट एग्जाम्पल है। हमसे कह रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप आपके पास पानी है, उस पानी के अंदर कितना चार्ज है ये बताओ। अब आप कहोगे कि यार सर कैसी बातें कर रहे हो, पानी के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? तो मैं कहूँगा बेटे अभी सबर करो, है ना। बोला ना धक्का मुक्की करने का नहीं, ये कप कैसा बनाया, अजीबो गरीब स्टाइल का कप, चलो इस कप का डिज़ाइन चेंज करो। पहली बात तो आप ये ज़्यादा बेहतर है यार, ये कप थोड़ा अच्छा लगा, सही है भाई। अब आपके पास यार ये कप है और आपसे पूछा है कि इस कप के अंदर आपने कुछ पानी रखा हुआ है, उस पानी के अंदर चार्ज बताओ। तो ठीक है पानी बना देता हूँ, इसके अंदर पानी भर दो पहले। यह आपने पानी भर दिया, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कह रखा कि कितना पानी भरा हुआ है, तो ये आपके पास अब लिबर्टी है, ये आपके हाथ में है सहूलियत कि आपको अब कितना इसमें पानी रखना है। लेट अस सपोज मैं बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं इसमें रखूँगा कि 18 ग्राम पानी है, 18 ग्राम वाटर है। इसका मतलब है, ऐसा करने का मतलब है, ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, मैं लिख देता हूँ लेट से। हालांकि बुक के अंदर 250 ग्राम वाटर का इस्तेमाल किया गया, तो आप उससे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दे रखी कि आपको कितना पानी लेना। तो मेरे पास छोटा कप है 18 ग्राम का, तो मैं लिख दिया, तो सॉल्यूशन में लिख देता हूँ लेट से देर इज 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इन द कप। इस कप के अंदर पानी का पता लग गया कितना। अब यार एक बात बताओ, 18 ग्राम पानी है, अब आपको ये कैसे पता चल लगेगा कि इसके अंदर कितना चार्ज होगा? और आप इस चीज़ को बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, कैसे बताएंगे ज़रा थोड़ा सोच है। अगर आपको ये पता लग जाए कि पानी के अंदर कौन से मॉलिक्यूल हैं या कौन सा मॉलिक्यूल है पानी का, तो पानी के मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है H2O। तो अगर आपके पास मॉलिक्यूल पता लग गया H2O, और आप ये देखो कि यार एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो मुझे बताओ एक ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता, तो दो तो हाइड्रोजन एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक ऑक्सीजन एटम है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उसके हो गए, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। तो एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अब यार ये पता कैसे चले कि 18 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं? तो ये चीज़ बताती है नंबर ऑफ मोल। आपको पता है बाई अवोगाड्रोस लॉ, अगर एक मोल आपके पास पानी है या एक मोल किसी भी चीज़ का सब्सटेंस है, तो उसके पास 6.023 × 10³ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो बस यहाँ से आपका एकदम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप लगाओगे, आप ये लगाओगे, वी नो दैट हम ये जानते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स निकालो इन 18 ग्राम्स। बताओ आपके पास वेट दे रखा है, यस। अब मॉलिक्यूलर वेट, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता, तो यहाँ लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, तो हाइड्रोजन का होता 1 लेकिन 2 लगे में तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता 16, तो हमारे पास हो गया 18 हो चुका है एक मॉलिक्यूल का वेट। तो 18 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से पता लगा कि हमारे पास कितने मोल आ गए, 1 मोल आ चुका। तो इसका मतलब 18 ग्राम अगर आपके पास पानी है तो आप कहोगे कि 1 मोल आपके पास पानी है, और 1 मोल के अंदर देखो कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 6.023 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक मोल पानी का, एक मोल H2O के अंदर जो है इतने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे किसके, इसको ऐसा कर, इतने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे किसके, वाटर के, इतने मॉलिक्यूल्स। और आपको पता है एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10, तो काम बन गया आपका, आपका काम बन गया। तो आप कहोगे चार्ज ऑन
6.023 इंटू 10^23 मोलिक्यूल्स। अब बताओ इतने मोलिक्यूल्स पर चार्ज कितना पाया जाएगा, ये आपको निकालना। तो चार्ज क्या होगा, चार्ज होता है n इंटू ई। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने मोलिक्यूल हैं और एक मोलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल के पास कितने हो जाएंगे। तो आप रखोगे n की वैल्यू कितना, 6.023 इंटू 10^23, और एक मोलिक्यूल के पास कितने 10 इलेक्ट्रॉन हैं, और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये होता है। तो चार्ज ऑन 6.023 इंटू 10^23 मोलिक्यूल्स, भाई ये देख लो आप, ठीक है भाई। क्यू इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने से कितना होगा, 10^23 ये है और 10 ये है, 10^24। 24 में से जब 19 निकालेंगे तो 5 बचेगा, तो 6.023 इंटू 10^5 इंटू 1.6, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर लेते, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 30 आ जाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 और बढ़ जाएगा, 40 से 10^5 ख़त्म हो जाएगा, ये जो बचेगा 6023 वो बचेगा 16 और बचेगा 10। इसको सॉल्व कर लो और आंसर पा लो। तो 6023 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है किसके, 16 के साथ। 16 × 48 का 8 कैरी 4, 16 × 32 और 4 × 36 का 6 कैरी 3, 3 ऐसे आ जाएगा, 6 × 36 ये ऐसे ही आ जाएगा, और ये आपके पास 3206 ये ऐसे रहा, 89569। तो 96398 ये आ जाएगा, 96398 96398, और लास्ट में 10 और है, ठीक है, बस ये आ चुका, इतना कूलम चार्ज। और इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 9.6 इंटू 10^5, यहाँ लगाना चाह रहा हूँ पॉइंट, तो 1, 2, 3, 4, 5 10^5, इस पॉइंट को आप हटा दो, है ना, ठीक है। ये पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा, सही है, नहीं दिखना चाहिए, ये आपके पास ये आया। तो 9.6 इंटू 10^5 इसका आंसर है, इसको लगा लेते हैं। अगर इतना आंसर आएगा बुक के अकॉर्डिंग तो खैर नहीं होगा, हमने बुक से हट के किया है, कैलकुलेशन आप और एक बार और चेक कर लेना, बिल्कुल सही निकल कर आएगी। 9.6 इंटू 10^5 कूलम, इतने कूलम चार्ज पाया जाएगा, क्योंकि आपने कितने ग्राम ले रखा, आपने 18 ग्राम ले रखा, 18 ग्राम का मतलब है 1 मोल, और 1 मोल के अंदर जो मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं इतने, और इतने मोलिक्यूल्स के पास कितना चार्ज होगा, आपको पता है कि एक मोलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉनों की वजह से चार्ज निकल कर आएगा। तो आपको टोटल चार्ज निकालना, तो आप देखोगे कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास इतने, ये इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन है, इतने इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इतने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज जो होता वो इतना होता, मल्टीप्लाई कर आपके पास आंसर निकल कर आ चुका। चलिएगा अब प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस को देखते हैं, वो भी ईजी हैं।